हेलो गाइस, दिस इज प्रियंका सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं टॉपिक बता रही हूँ, दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा है जिसमें हमें कर्व गिवन है। कर्व की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू log y बाई एक्स। इसका निकालना है हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो उसके लिए आप कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे मेन चीज इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए रहती है कि आपको y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए होता है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए होता है। उन दोनों के यूज से ही हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालते हैं। ओके, सो क्या करना होता है, हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल जीरो लेना होता है, जिससे आपको जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। देन द पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, आपको और अच्छे से क्लियर होगी जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि है y इज आपको इक्वेशन दी है x इज इक्वल्स टू log y बाई एक्स। तो सबसे पहले हमें ये जो इक्वेशन दी है दैट इज इक्वल्स टू x दिया है, लेकिन हमें क्या करना है, y का फंक्शन निकाल लेना है इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि हमें y को इवेल्युएट करना पड़ेगा, y को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तब हमें मिलेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो देखिए, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले द गिवन कर्व इज x इज इक्वल्स टू log y बाय x। ओके, हमें y निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, सो हम क्या करेंगे, log को पहले एक्सक्लूड करेंगे, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x इज इक्वल्स टू y अपॉन x। आप जानते हैं log एंड एक्सपोनेंशियल बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर, इसलिए हमने e ले लिया, तो ये log और e कैंसिल आउट होके सिंपल y बाई एक्स बचेगा। ओके, नाउ अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो x e टू द पावर x इक्वल्स टू y। इन दिस वे वी गेट y इज इक्वल्स टू x इंटू ई टू द पावर x। इस तरह से हमने ये फंक्शन निकाल लिया y इन टर्म्स ऑफ x। x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x पे डिपेंड करता है। सो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए डिफ्रेंशिएट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको नंबर वन दे दीजिए। सो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, y का हो जाएगा dy बाय dx, और यहां आप डिफ्रेंशिएट करेंगे यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहां पर आपके पास दो फंक्शंस हैं। सो प्रोडक्ट का रूल क्या कहता है, फर्स्ट लिखिए, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन करिए, प्लस सेकेंड लिखिए एज इट इज एंड फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। सो यही हम अप्लाई करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकेंड, तो फर्स्ट लिखा, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स का जो कि सेम रहता है, सेकेंड लिखा फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में वन। सो आपको कितना मिल गया, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, सो दिस इज एक्स प्लस वन, ये आ गया हमारा dy by dx। अब हमें चाहिए d स्क्वेयर y अपॉन dx स्क्वायर, मीन्स हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको करेंगे, इस इक्वेशन को, आप चाहे तो नंबर टू दे दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तब हमें मिलेगा कितना, d स्क्वेयर y अपॉन dx स्क्वायर। अगेन हम प्रोडक्ट का रूल लगाएंगे, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है, सेकेंड का करना है, तो वन हो जाएगा एक्स का, ठीक है, प्लस एक्स प्लस वन ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन तो वो भी हो जाएगा ई टू द पावर एक्स। अब आप ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, यहां से कॉमन लिया तो वन बचा, और यहां पर कॉमन लिया तो x प्लस वन बचा, सो ये हो गया e टू दी पावर x x प्लस टू। ओके, सो हमें क्या मिल गया है, d स्क्वेयर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू विच इज e टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस टू। ओके, सो ये मिल चुका है, अब हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो हमें थर्ड का मिल जाएगा। सो हम कर लेते हैं फर्स्ट, इसको नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री, एंड डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन थ्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन आपका ये सेकेंड ऑर्डर है, एक बार और करेंगे तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा,
सेम रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे, सेकेंड इसको, ये हो जाएगा एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, 2 का 0, फिर x प्लस 2 लिखेंगे, इसका करेंगे तो e टू दी पावर x, e टू दी पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ x प्लस 2, सो ये होता है आपका x प्लस 3, ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए, ओके, सो हमें ये स्क्वायर भी मिल चुका है, क्यूब भी मिल चुका है, अब हमें क्या करना है, ये चीज यूज करनी है, सबसे पहले फॉर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को 0, देन यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज ई टू द पावर एक्स एक्स प्लस 2 इक्वल्स 0, आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल इज नेवर बी 0, सो इसका मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब ये वैल्यू 0 होगी, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, ये पॉइंट हमें मिल चुका है, अब ये तो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन व्हेन ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए इस पॉइंट पे, तब होगा, ओके, सो हम चेक कर लेते हैं कि क्यूब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पर कितनी है, सो एट x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू हमें इवेलुएट करना है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 4, यहां लिख लीजिए हमने यूज किया है इक्वेशन नंबर 3 का, इक्वेशन नंबर 4 का यूज करेंगे हम, x इक्वल टू माइनस 2 लिखेंगे यहां पर, सो दिस इज e टू दी पावर माइनस 2, माइनस 2 प्लस 3, यहां हमने यूज किया है इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में x की जगह माइनस 2 सब्स्टिट्यूट किया है, सो ये कितना मिलता है हमें, e टू दी पावर माइनस 2, दिस इज प्लस 1, दैट मीन्स 1 अपॉन e टू दी पावर 2, आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो ये आपका हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0, ये वैल्यू कब 0 होगी, When e to the power anything is infinity, तभी ये वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है, सो ये इस केस में 0 नहीं होगी, बिकॉज दिस इज e टू दी पावर 2 विच इज सम वैल्यू, सो ये आ गया हमारा नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 2 क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, लेकिन हमें दोनों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, x कोऑर्डिनेट भी y कोऑर्डिनेट भी, तो हम पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं कि x इक्वल टू माइनस 2 पर y की वैल्यू क्या होगी, ओके, सो यूजिंग इक्वेशन 1 एट x इक्वल टू माइनस 2, यूजिंग इक्वेशन 1 आपने किसको लिया था, दैट इज y इज इक्वल्स टू x e टू दी पावर x, ये इक्वेशन थी, ओके, मैंने रब कर दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यहां पर हम x की वैल्यू माइनस 2 डालेंगे, सो दिस इज माइनस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस 2, सो ये आ गई वाई की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू माइनस 2, दैट मीन्स आप पॉइंट आप लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है माइनस 2, वाई कितना है माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस 2, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ओके, दिस इज योर आंसर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर द कर्व, कौन से कर्व के लिए, जो आपको गिवन है, ये भी बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू लॉग y बाई एक्स, या फिर आप बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू x e टू दी पावर x, इस कर्व के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, माइनस 2 कॉमा माइनस 2 e टू दी पावर माइनस 2, सो इस तरह से निकालते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।